फातिमा, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबर से। मऊ जनपद में हुआ लोक अदालत का आयोजन। आज राष्ट्रीय लोक अदालत है जिसमें कि पक्षकारों के मध्य सुलह समझौते के आधार पर मामलों का निस्तारण किया जाएगा। धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत मुकदमे लेबर एम्प्लॉयमेंट एवं टेलीफोन इत्यादि से संबंधित बकायेदारों के मामले, मोटर दुर्घटना से संबंधित पक्षकारों के मामले, फैमिली कोर्ट में पति पत्नी के मध्य सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित वादों का निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा पक्षकारों के मध्य जो मामले कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के हैं एवं पेटी ऑफेंसेस हैं एवं चालान से संबंधित मामले हैं, उन सभी मामलों का निस्तारण किया जाएगा। सर, ये आपराधिक मामले किस तरह के निस्तारण किए जाए? आपराधिक मामले इस तरह के हैं जो नॉन कंपाउंडेबल हैं पक्षकारों के मध्य, उनको छोड़कर सभी कंपाउंडेबल मामले जिसे पक्षकार आपस में सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करा सकते हैं, पेटी ऑफेंसेस के मामले 504 506 के अंतर्गत, उन सभी मामलों का निस्तारण किया जाए। सर, इसमें क्या अधिवक्ता की आवश्यकता होती है? अधिवक्तागण की वैसे तो इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, पक्षकार चाहें तो स्वयं भी इसमें कर सकते हैं आकर, अगर उनके बीच में समझौता हो जाता है तो उसी आधार पर इसमें निस्तारित किया जा सकता है। अधिवक्ताओं की आवश्यकता वहाँ पड़ती है जहाँ पर किसी पक्षकार की आइडेंटिटी वगैरह क्लियर नहीं हो रही है, तो उसकी आइडेंटिटी वगैरह को क्लियर करने के लिए अगर वो अपना आधार कार्ड अन्य प्रपत्र लाते हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर लेकिन अगर उसकी पहचान का है और किसी पक्षकार को इस पर आपत्ति होती है कि दूसरी पक्षकार की आइडेंटिटी को भी देख लिया जाए, तो वहाँ उनको आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए जरूरत पड़ती है। सर, देखा जाता है कि गरीब तबका नहीं न्याय पाने में असमर्थ हो जाता है, तो कितनी सहायता मिलेगी अदालत? हाँ, लोक अदालत का यही एक मुख्य पर्पस है कि जो लोग लगातार लंबे मामले जो अदालतों में कई बार चलते रहते हैं, कई वर्ष लग जाते हैं उसमें, और गरीब पक्षकार उसको वहन भी नहीं कर सकता है। वैसे तो सभी को एक प्रकार से न्याय के सुलभ कराने के लिए एमिकस क्यूरी वगैरह भी प्रदान किए जाते हैं, लेकिन जहां पक्षकारों के मध्य सुलह समझौते से हो जाते हैं तो वहां प्रेम भाव दोनों पक्षकारों के मध्य बना रहता है, आगे का झगड़ा भी उनके बीच में नहीं रहता है, तो इसलिए, और ये सस्ता सुलभ भी है, इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है, तो इसमें पक्षकारों को जो है अधिक से अधिक मामलों का अपना निस्तारण कराने का प्रयास करना चाहिए। तो सर, क्या समझा है न्याय चला निर्धन की ओर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल पूर्ण रूप से इसमें सत्य साबित होती है कि न्याय चला निर्धन से मिलने, और लोगों को इसमें चाहिए कि लोक अदालत में अपने मामलों का अधिक से अधिक निस्तारण कराकर इसका लाभ लें। सर, लोक अदालत को आप किस तरह देखते हैं? लोक अदालत एक उत्साह की तरह है, एक पर्व की तरह है जिसमें सभी लोगों को अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण कराकर, जिसमें दोनों ही पक्षकारों की जीत होती है, कोई पक्षकार हारा हुआ महसूस नहीं करता है, क्योंकि इसमें दोनों पक्षकारों का समझौते के आधार पर होता है, दोनों पक्षकारों की जीत होती है और दोनों ही पक्षकारों को इससे लाभ है। धन्यवाद। सर, आज किस तरह के कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है? आज जो है राष्ट्रीय लोक अदालत पूरे देश में जो है मनाया जा रहा है, जो जिला मुख्यालयों पे, तहसीलों पे तथा अन्य सभी विभागों में जो भी लोक अदालत में निपटारा होने वाली सुलह समझौते के आधार पे केसेज होती हैं उनका निपटारा किया जा रहा है। इसी के संबंध में जो है आज ये आयोजन और इसका जो है इनॉग्रेशन किया गया है। कितने की संख्या में सर आज आए होंगे लोग? इसका लाभ आज मुझे लगता है कि लगभग 10,000 से कम लोग नहीं उठाएंगे, कम से कम 10,000 लोग यहाँ पर इसका लाभ प्राप्त करेंगे पूरे ज़िले में। इसमें सभी आपराधिक समनी वाद आते हैं, छोटे मोटे क्रिमिनल जो भी ऑफेंसेज होते हैं वो समनी वाद आते हैं, आपके मैट्रिमोनियल केसेज होती हैं, वैवाहिक मामले आते हैं, आपके जो है NI एक्ट के मामले आते हैं, 125 के मामले आते हैं, और जो भी सुलह समझौते के आधार पर जो भी सिविल मामले आ गए वो सभी सुलह समझौते के आधार पर जो कर सकते हैं, क्रिमिनल कंपाउंडेबल केस होते हैं वो सभी आ जाएंगे। इसमें मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि लोक अदालत में आप अपने मामलों का निस्तारण जरूर कराएं, छोटे मोटे मामलों के लिए आप कचहरी का चक्कर न लगाएं, क्योंकि इसमें आपको सर्वसुलभ न्याय की प्राप्ति होती है, आपको न किसी अधिवक्ता की जरूरत पड़ती है, न ही किसी कोर्ट फी लगाने की जरूरत पड़ती है, न ही तारीख पर बार बार दौड़ने की जरूरत पड़ती है, एक दिन में आपके सुलह समझौते के आधार पर आपसी आपकी समझ बूझ से जो है आप मामले का निस्तारण कर लेते हैं। ये सब कहाँ पे और कितने बजे तक आयोजन किया जाए? ये सभी जिला न्यायालयों में प्रदेश के और पूरे देश में हो रहा है, तथा सभी जिलों में जो है तहसील स्तर पे और सभी विभागों में भी जो हैं जिनके पास मामले हैं वो निपटारे किए जा रहे हैं मामले।